बीजेपी की नेत्री नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। जनता के फैसले का स्वागत करते हुए नवनीत राणा ने कहा है कि देवेंद्र ने बेहतर कार्य किया है। मुझे लगता है जोक था, हम सब ने हंसना था और हंस के निकाल देना चाहिए। ईवीएम लोकसभा में भी था जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। हमारा जो नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे के साथ में वो चित्र पूरे महाराष्ट्र में देखने को सबको मिला है। जब लोकसभा में उनके पक्ष में निकाल लगा था तब लोकशाही ये जिंदा थी, और आज जब लोकशाही, जब लोगों ने बीजेपी के तरफ, महायुति के तरफ जो सपोर्ट दिया, जो मतदान दिया, तो आज लोकशाही नहीं है। मुझे लगता है जोक था, हम सब ने हंसना था और हंस के निकाल देना चाहिए। मुझे लगता है जो घर पे बैठते हैं उन्हें, जो हम जैसे ये जो बोलते हैं लोकशाही खत्म हो रही है लोकशाही के विरोध में, जब ईवीएम लोकसभा में भी था जब इनकी सीटें चुन के आई, आज भी ईवीएम है। जब इनके पक्ष में लगा तो लोकशाही जीवंत है, जब हमारे बाजू में लगा तो लोकशाही की हत्या है। तो ये जोक था, मैंने जोक से ले लिया। बहुत आनंद है, एक वाइफ होने के नाते जो आनंद मैंने महसूस किया कल, मेरे आनंद से बाकी जिले में जितने लोग हैं उन्होंने वो महसूस किया। और मेरा श्रेय कितना बनता है मुझे नहीं पता, पर उनके क्षेत्र में रहने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, ये श्रेय रवि जी की इतनी बड़ी लीड पे जो चुन के आए, इसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि लोकसभा में जो प्रचार राहुल गांधी के तरफ से झूठा प्रचार किया गया था, आज हमारा जो नारा था, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे के साथ में वो चित्र पूरे महाराष्ट्र में देखने को सबको मिला है। और हमने पहले से ही, हमारा ये फिक्स था कि हमारे ये नारे के साथ हमारी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे। और ये चित्र देख के बड़ा आनंद हो रहा है कि मैं कुछ मतों से मेरे लोकसभा क्षेत्र में पीछे रह गई, पर आज उससे कई ज़्यादा मतों से हमारे सभी MLA यहाँ पर चुन के आए। और महाराष्ट्र में जब हम सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही टेप देखते थे कि देवेंद्र फडणवीस जी को गालियाँ देनी, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में गलत बोलना, आज वो अकेले व्यक्ति ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने ये पूरे महाराष्ट्र में सभी जनता को लेके चले, किसानों को लेके चले, लाडली बहनों को लेके चले, युवकों को लेके चले, हर वर्ग को लेके चलने का काम उन्होंने किया है। तो हर वर्ग ने हमारे देवेंद्र फडणवीस जी को आशीर्वाद दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिले में मुझे लगता है नेता बड़ा छोटा मुझे नहीं पता, पर विचार होने बहुत जरूरी है। हम जिस भी पार्टी के साथ, पक्ष के साथ रहते हैं, वो पक्ष के साथ हमने ईमानदारी रखनी चाहिए। और कई बेईमानों ने हमारे जिले में लोकसभा में बेईमानी की, तो मुझे लगता है जिन्होंने बेईमानी की उनकी जगह, उनको एक्चुअली जो बड़ा है वो हमारा मतदार है, वो मतदारों ने उनकी जगह उन्हें दिखा दी है। और बच्चू कड़ू बहू के बारे में मैं इतना ही बोल सकती हूँ, हमारे दादा है बड़े हैं, कि उन्होंने बोलना कम करना चाहिए, किसी का अपमान कम करना चाहिए, गालियां गलौज से जो बात करते हैं वो कम करना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाना जो करते थे वो चिढ़ लोगों में थी वो कम करना चाहिए, किसी के भी यहाँ पर जाकर कुछ भी किसी का अपमान शब्द बोलना वो कम करना चाहिए। तो बच्चू बहू को मेरे लिए, मेरे तरफ से इतनी सलाह होगी, जो बोलते हैं कि हमारे बिना मुख्यमंत्री नहीं होंगे, आज उनकी जगह उनके मतदार संघ के लोगों ने दिखा दी, जो जिस थाली में खाता है अगर उस थाली में छेद करता है तो उसकी जगह आज घर पे ही है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस,
जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।